अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरा देश योगा कर रहा है। बक्सर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किला मैदान में पतंजलि योग सेवा समिति द्वारा योग शिविर आयोजित किया गया। योग शिविर में बक्सर सांसद सह परिवार और कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे शामिल हुए। तो योग हमारे जीवन से अन्योन्याश्रय संबंध है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इसकी एकात्मता के लिए योग आवश्यक है। वही शांति, सुखमय, समृद्धि और समरसता, समन्वय स्थापित करना, ये योग के माध्यम से सामूहिक योग करके हम ये समाज के अंदर करते हैं। वही अल्पसंख्यक कल्याण सह गन्ना मंत्री खुर्शीद आलम ने योग दिवस पर कहा कि योग को किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। ये मनुष्य के लिए एक इस तरह का ये जो है, इस तरह का ये दवा है, इस तरह का ये मतलब समझ जाइए एंटीबायोटिक कैप्सूल है कि योग अगर हर व्यक्ति करे तो हम समझते हैं कि स्वस्थ है, रहने में उसको काफ़ी जो है ये लाभदायक होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो है स्वस्थ रहूं। इसको पार्टी से क्यों लोग जोड़ रहे हैं, ये किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। योग हर आदमी करता है एकदम। अरे मैं तो 7 बजे से योग करता हूँ, समझे। बोलना भी एक योग है, कहना भी योग है, योग तो मैं करता हूँ। इस क्रम में पटना के बाढ़ जेल के कैदी भी पूरे उत्साह से योग करते दिखे। 1 मिनट आप बिल्कुल मौन भाव से बैठे रहे, गर्दन सीधी रहेगी, स्ट्रेट, एक जितना जितना हो सकता है उतना ही करिएगा। बाप देखिए, बाबा बहुत बढ़िया लगा चुके हैं। 1 मिनट तक अगर आपको दिक्कत है तो नहीं करिएगा, जबरदस्ती नहीं, योग जबरदस्ती नहीं सिखाता। बाढ़ जेल के अधीक्षक ने योग गुरु गुलशन महाराज को आमंत्रित किया था। योग गुरु ने कैदियों को योग के साथ योग फायदे भी समझाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय, पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।